चले तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, बड़ी खबर से मुखातिब करवा दे, भारतीय निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, चार राज्यों में होने वाले उपचुनाव को स्थगित कर दिया गया है। चुनाव आयोग का ये फैसला, चार राज्यों में होने वाले उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है। तीन लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको, कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया, चार राज्य में होने वाले उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग का ये बड़ा फैसला है जिसमें एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर का कहर देखने को मिला और चार राज्यों में होने वाले उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है। बता दें आपको, उपचुनाव किन्हीं कारणों की वजह से, सीटों के खाली होने की वजह से हुए थे। तीन लोकसभा सीटों के लिए ये उपचुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये फैसला लिया गया है जिसमें चार राज्यों में होने वाले उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग का ये बड़ा फैसला है, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। चार राज्यों में होने वाले उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा। तीन लोकसभा सीटों के लिए ये उपचुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। किन्हीं कारणों की वजह से, जब ये सीटें खाली हुई थी उसके बाद उपचुनाव होने थे, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये फैसला लिया गया है। निर्वाचन आयोग का ये बड़ा फैसला जिसमें चार राज्यों में होने वाले उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने, चार राज्यों में उपचुनाव होने थे जिन्हें स्थगित कर दिया गया है, तीन राज्यों में उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, तीन लोकसभा सीटों पर ये उपचुनाव होने थे, चार राज्यों में तीन लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे जिनको स्थगित कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये फैसला लिया गया है। लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार सरकार बड़े एक्शन ले रही है, बड़े फैसले ले रही है। धीरे धीरे पूरे देश भर में लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है और इसी के चलते बड़ा फैसला निर्वाचन आयोग ने भी ले लिया है और चार राज्यों में तीन लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिया है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।